हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टार्ट किया है। तो स्टूडेंट्स, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन समझा चुका हूँ, उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके हैं। इस लेक्चर में फिर हम उसी के ऊपर जो क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। तो स्टूडेंट, जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसमें कैसे पहचानेंगे पेपर में कि ये होमोजेनियस ही है? कैसे? मैंने आपको कल भी बताया था, ये जो एलिमेंट है, ठीक है, इसकी डिग्री अलग से देखें तो एक ही सिंगल टर्म है ना आपके पास, क्या है, सिंगल टर्म। तो इसकी डिग्री कितनी है? थ्री। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, अगर इसमें दो टर्म्स होती तो मेरे को फर्स्ट की भी डिग्री कितनी चाहिए थी? थ्री। और नेक्स्ट की भी डिग्री कितनी चाहिए थी? थ्री। तो आप देख सकते हो सिंगल टर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें डबल टर्म है तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। अगर फर्स्ट की एक्स क्यूब है तो दूसरा भी क्या दिया इन्होंने? वाई क्यूब। तो है ना थ्री थ्री डिग्री, दोनों की डिग्री क्या है? सेम। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस क्वेश्चन में डिग्री सेम होती है वो कौन सी होती है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे स्टूडेंट्स, कैसे लाएंगे बताओ? शाबाश, हम एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स को एज इट इज रहने देंगे, माइनस उस साइड को जा देंगे, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई। अब आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर वाई को एज इट इज रखा, ये जो डी एक्स था इसको मैंने इधर बेस पे पहुंचा दिया और इसको मैं इधर ले आया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। अब हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आपको पता है ना हम इसको कैसे लिखते हैं, किस फॉर्म में लिखते हैं? होमोजेनियस के फॉर्म में। तो आप देखोगे इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो, बोलो शाबाश, एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। जब आपने एक्स स्क्वायर बाहर निकाला तो पीछे क्या रहा? वाई। अब आप मेरे को बताओ, आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है क्या कि जो भी हमें फंक्शन चाहिए वो वाई बाई एक्स की फॉर्म में चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, एक्स से मल्टीप्लाई और एक्स से ही डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और अगर किसी को ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो वो ये देखे न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में एक्स की हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो आप देख रहे हो थ्री है, तो थ्री ही कॉमन लेना है। तो एक्चुअल में ऊपर से एक्स क्यूब निकालना है कॉमन, ठीक है, और डिनोमिनेटर से भी क्या निकालना है? एक्स क्यूब। तो कितना रह गया? वन प्लस वाई बाई एक्स का होल क्यूब। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब क्या हो गया? कैंसल। तो क्या आ गया आपके पास? वाई बाई एक्स अपॉन वन प्लस वाई बाई एक्स का होल क्यूब। और मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, बाहर आपने एक्स लिया तो एक्स की पावर जीरो, और अंदर जो फंक्शन है वो किस में बना हुआ है? वाई बाय एक्स में बना हुआ है, कल भी हमने ऐसे ही पढ़ा। अगर आप किसी डिफरेंशियल को इस फॉर्म में लिख सकते हो तो ये कौन सी होती है? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको इधर तक समझ आ गया होगा कि ये कौन सी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है इसको मैं क्या दूंगा? फर्स्ट इक्वेशन, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी दी थी। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता है जब भी आप y बाई एक्स की फॉर्म में लाते हो, किस फॉर्म में लाते हो? y बाई एक्स की फॉर्म में लाते हो, तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं? y बाई एक्स को भी पुट करते हैं, प्रीवियस लेक्चर में भी किया था। फिर उसके बाद हम y को ऐसे रखते हैं, ये x भी आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बन जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, x को एज इट इज v की डिफरेंशिएशन dv / dx, v को एज इट इज x की डिफरेंशिएशन 1। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, जो ये dy / dx वाली इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, जैसे हम देते थे। फिर हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे, तो करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। इसके पास भी dy / dx है, इसके पास भी dy / dx है, तो दोनों इक्वेशन इक्वल होंगी, ठीक है। इसकी ये टर्म क्या है, बोलो शाबाश, x dv / dx plus v, और इसकी ये टर्म क्या है? y / x, और y / x को हमने क्या लेफ्ट किया? v, तो ये कितना आ गया? v upon 1 plus v cube। आई होप आपको समझ आ रहा है। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आप क्वेश्चन सही से कर रहे हो तो इस स्टेप के बाद आपको क्या होगा, आपकी जो इक्वेशन है उसमें कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी। अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं होती है तो समझ लेना आपने कोई मिस्टेक कर दी है, ठीक है। तो देखो ये v उस साइड चला गया, माइनस आ गया, अब ये क्या आ गया? x dv / dx,
तो ये कितना आ गया 1 प्लस वी क्यूब, ये v माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस वी फोर, वी को मल्टीप्लाई कर दिया एलसीएम लेके, ये v और ये v कैंसिल, सिंप्लीफाई हो गया। जैसे सिंप्लीफाई हुआ स्टूडेंट, तो समझ लेना आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो। अब ये क्या आ गया, वी डी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी फोर अपॉन वन प्लस वी क्यूब। अब आप देख सकते हो इसको कर सकते हो किससे, सेपरेटिंग द वेरिएबल से। तो सेपरेटिंग द वेरिएबल्स क्या बोलते हैं, आपने v वाले एक साइड ले जाने, तो ले जाओ वन प्लस वी क्यूब अपॉन वी फोर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये वी फोर बेस में आ गया, ये ऊपर चला गया, साथ में होना डी वी, माइनस को इधर ही रखा तो ये बन गया डी एक्स बाई एक्स। क्लियर है? अब देखो, अब हम कौन सा टूल लगाएंगे, एक ही टूल है इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग वेगेट, ऑन इंटीग्रेटिंग वेगेट। जब आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है दोनों तरफ इंटीग्रल लग जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया 1 प्लस वी क्यूब अपॉन वी फोर डी वी, और ये कितना लग जाएगा माइनस बाहर डी एक्स बाई एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, ये क्या है, ये बोल रहे हैं नीचे जो डिनोमिनेटर है उसकी डिग्री है 4 और ऊपर न्यूमिनेटर की डिग्री है 3, तो डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा न्यूमिनेटर की कम। तो जब भी ऐसा केस है डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा न्यूमिनेटर कम, तो 99% केसेस में स्प्लिट होता है क्वेश्चन। क्वेश्चन का मीनिंग, स्प्लिट का क्या मीनिंग क्या है, अगर न्यूमिनेटर में ज्यादा टर्म्स है तो ये अलग अलग हो जाते हैं 99% क्वेश्चनों में। तो 1 अपॉन वी फोर प्लस वी क्यूब अपॉन वी फोर ऐसे, ठीक है। और इधर क्या आ गया माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब ये कितना आ गया, शाबाश, ये वी फोर ऊपर चला जाएगा, वी की पावर माइनस फोर, ये और ये कैंसिल, तो डिनोमिनेटर में रहा 1 अपॉन वी, और ये 1 अपॉन वी ऊपर चला गया तो वी की पावर माइनस वन, ठीक है। अगर मैं वी की पावर ऊपर माइनस वन करूं तो इंटीग्रेशन में एक प्रॉब्लम आती है, क्या आप प्लस वन करो तो वो जीरो बन जाता है, इसलिए हमें पता है फॉर्मूला लॉग का, तो हम इसको 1 अपॉन वी ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये आ गया माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसकी पावर में इंक्रीज करोगे, जब एक ऐड किया तो माइनस थ्री, डिनोमिनेटर में माइनस थ्री, और 1 अपॉन वी की इंटीग्रेशन कितनी होती है लॉग वी, और ये कितनी हो गई लॉग एक्स, और प्लस क्या आ गया सी। इधर तक आप पहुंच गए। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने इस वी को वाई बाय एक्स पुट किया तो इधर वाई बाय एक्स डाल दिया, तो अब क्या करूंगा लास्ट में वी को क्या पुट कर दूंगा वाई बाय एक्स, तो माइनस वन बाय थ्री एज इट इज बाहर, ठीक है। वी कितना है वाई बाय एक्स, उस के ऊपर पावर कितनी आ जाएगी माइनस थ्री, प्लस लॉग वी कितना है वाई बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। इधर आप खुद ही लिख दिया करो सी इज एन इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। अब देखो, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वाई की पावर माइनस थ्री अपॉन एक्स की पावर माइनस थ्री, और इसको लिख सकता हूँ लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है। ये आ गया माइनस लॉग एक्स प्लस सी, माइनस लॉग एक्स क्या हो गया कैंसिल, ये कितना आ गया माइनस वन बाई थ्री, एक्स क्यूब नीचे माइनस का ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, वाई नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू सी। ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है इस होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मैंने आपको कल भी बताया था ये जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक्चुअली बड़ी लेंथी है और बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये आपको तभी समझ आएगी जब आपने स्टार्टिंग से लेक्चर देखे हैं, अगर आपने कोई लेक्चर स्किप किया तो आपको ये समझ नहीं आने वाली है। तो जैसे कि मैंने आपको कल और उसके प्रीवियस लेक्चर में होमोजेनियस के बारे में बताया था, और आज के लेक्चर में हमने उसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और कर लिया।